पटना जिला में दो दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन हुआ है। करीब दो साल बाद यह मेला जो है लग रहा है पटना में, जिसको देखते हुए इस मेला में तमाम जो किसान हैं वो इसमें आके शामिल हो पाएंगे, जिसको देखते हुए तमाम जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, जो कृषि में उपयोग होती है वो लाया जा रहा है तमाम अनेक राज्यों से, जिसको देखते हुए यह मेला जो है कहीं ना कहीं खास माना जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो दो साल के बाद जो है यह मेला पटना में लग रहा है, जिसको देखते हुए जो पटना के डीएम है चंद्रशेखर सिंह वो पहुंचे हैं। तो वहीं इस मेला में पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम बात की, उनका साफ कहना है, उद्घाटन करते उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से मेला नहीं लग पा रहा था, इसको देखते हुए किसानों के लिए अच्छी बात है और फसल अवशेष को लेकर अपने खेतों में नहीं जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी, और जिसके बाद दो साल बाद यह मेला जो लगा है ज्यादा से ज्यादा लोग जो किसान हैं वो पहुंच पाएंगे और इस मेला से तमाम उपकरण जो हैं वो खरीद पाएंगे, और उपकरण खरीदने के बाद जो भी होगा वो फसल आराम से कर पाएंगे। तो फिलहाल चंद्रशेखर सिंह जो कि पटना के डीएम है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। क्या कुछ खास इस बार सर उपकरण आया? ये दो साल हम लोगों का बाधित रहा, जो कृषि यांत्रिकरण मेला जिला स्तर पर लगता था हर साल, कोरोना के कारण बाधित रहा और अब हम लोग फिर से इसको शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ सिन्हा लाइब्रेरी कैंपस में जिला स्तरीय दो दिवसीय मेला लगा है, आज इसकी शुरुआत हुई है और कल तक रहेगा। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जो आधुनिक कृषि के लिए, खेती के लिए ज़रूरी हैं, वो सब यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई यहाँ आए हैं और वो लोग देख भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। और अभी तक हम लोग देखे हैं कि लगभग 61 लोगों ने खरीदारी किया है और उनको जो अनुदान की राशि है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको तुरंत मिल जाए और किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं हो। विशेषकर जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो उपकरण आवश्यक हैं उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि उसका परिचय लोग करें और फसल अवशेष का प्रबंधन करें, उसे खेतों में जलाएं नहीं, जिसके कारण से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। और अभी ज़िले में लगभग 20 किसान जो है खेतों में अवशेष जलाते हुए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और उनको इस प्रकार की अनुदान वाली योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से वंचित भी किया गया है। तो एक दंडात्मक कार्रवाई हो गई, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जागरूक किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इस प्रकार की नौबत नहीं आए। और जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, लगभग 75% से 80% की सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न यंत्रों पर, तो उसका परचेज करें, क्रय करें और उसका फ़ायदा उठाएं सरकार की योजनाओं का। इसके लिए ये दो दिवसीय मेला आज आयोजित किया गया है।